हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बाला तिवारी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया फीवर। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो है मल्टी विटामिन। आज हम बात करेंगे मल्टी विटामिन के बारे में कि ये होता क्या है और इसकी हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइस, मल्टी विटामिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब बताती हम कैसा मल्टी विटामिन यूज़ करें, इसमें हमें कौन कौन से विटामिन चाहिए और कितनी डोसेज चाहिए उसकी और उसकी क्या मात्रा होनी चाहिए, मल्टी विटामिन लेना सेफ है या अनसेफ। तो चलिए बताते हैं आपको इसके बारे में। सबसे पहले बात करें अपने इंडियन फूड्स की, तो कैसे हमारे इंडियन फूड्स में विटामिन तकरीबन ना के बराबर होती है। आखिर हमारे डेली लाइफ में होता क्या है, यही होता है दाल चावल रोटी सब्जी, बस ज़्यादा से ज़्यादा हम इसी का यूज़ करते हैं। इसमें विटामिन कम और कार्ब हमारे बॉडी में ज़्यादा आते हैं। तो विटामिन के लिए आपको पर डे करने में एग खाना होगा, चिकन्स खाने होंगे, फ्रूट्स खाने होंगे, तब आपके शरीर में विटामिन आएंगे। पर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई एक दिन में तक खा नहीं सकता, इसलिए हमें मल्टी विटामिन का यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हमारे बॉडी में हो रही हर विटामिन की कमी को दूर करता है। इसलिए हम जानते हैं हमारे बजट में, लो बजट में कौन सा मल्टी विटामिन है जो बहुत ही बेस्ट है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपके लिए जो मल्टी विटामिन लेकर आया हूँ ये मल्टी विटामिन है, अब जिसको ध्यान से देख लो, बेकार एक सा माइंड। तो ये मल्टी विटामिन है क्या, विटामिन के साथ मिनरल्स भी है, ये आपकी बॉडी में हो रही विटामिन की डिफिशेंसीज को दूर करेगा और आप अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफ बना सकते हो। चलिए जानते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, इसकी प्राइस क्या है और इसमें कौन कौन से विटामिन अवेलेबल हैं। गाइस, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो बहुत ही चीप प्राइस है, तकरीबन 30 रुपये में ही आता है, आपके कहीं भी मेडिकल स्टोर पर ये मिल जाएगा। ये बहुत ही पुराना ब्रांड है और बहुत ही पॉपुलर है, इसके बारे में अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो तो हज़ारों वीडियोज़ आएंगे। तो कहीं भी आपके मेडिकल स्टोर पर नज़दीकी मिल जाएगा, आप इसे परचेस करो, तकरीबन एक डिब्बा इसका एक महीने तक चल सकता है। हेल्दी लाइफ जीने के लिए पर डे आपको जो विटामिन चाहिए वो सारे विटामिन इसमें अवेलेबल है। विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, कॉपर, जिंक, सल्फेट, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब अवेलेबल है। तो गाइस, सिर्फ आपके विटामिन की कमी को ही नहीं दूर करेगा बल्कि आपकी जो स्किन है, आपके जो हेयर है, आपके जो नेल है, इन सबको हेल्दी बनाएगा। क्यों, वैसे आप विटामिन ई का नाम तो सुना ही होगा, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हो विटामिन ई लिख के तो हज़ारों वीडियो आ जाएंगे कि विटामिन ई को खाइए, आपके बाल लंबे होंगे, स्किन अच्छी होती है, विटामिन ई को बालों पर लगाया जाता है। विटामिन ई के आपको एक्स्ट्रा के खाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे विटामिन ई अवेलेबल है जिसे आप खा सकते हो, जो आपकी स्किन और हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप जिम नहीं जाते हो, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, काम कर रहे हो, तो आपको इस मल्टीविटामिन का एक कैप्सूल पर डे खाना होगा, कब, नाश्ते के बाद। याद रखिए, खाली पेट से कभी ना खाएं, जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द भी हो सकता है, सिर घूम सकते हैं, तो उसको खाली पेट कभी ना खाएं, नाश्ते के बाद एक कैप्सूल। अगर आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, डबल मेहनत कर रहे हो, तो आपको इसको दो कैप्सूल लेना होगा एक दिन। विटामिन से इसकी मात्रा तो इसमें कम है, अगर आप जिम जा रहे हो तो आप इसकी दो कैप्सूल यूज़ कर सकते हो एक दिन में, कब, नाश्ते के बाद। चलिए मैं आपको कैप्सूल को दिखा देता हूं, कैप्सूल दिखते कैसे हैं, बिल्कुल चॉकलेटी दिखते हैं। गाइस देन यू सी, बिल्कुल ही चॉकलेटी दिखते हैं और खाने में भी कुछ बहुत ही बेकार टेस्ट नहीं है। अच्छा है गाइस, जब हम मल्टीविटामिन खाते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारे बॉडी को जितनी विटामिन की जरूरत होती है बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी जितने भी मतलब बचते हैं वो यूरिन के रास्ते बाहर आ जाते हैं। अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आपको फर्स्ट से सेकेंड टाइम आपको जो यूरिन है थोड़ी येलो आएगी, पर तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ये नॉर्मली है, तो उसको कोई टेंशन मत लेना। हाँ, पर मैं डॉक्टर से इसको एक बार रिकमेंडेड कर लेना, पूछ लेना, क्या डॉक्टर मैं मल्टीविटामिन यूज़ कर सकता हूँ। इसका एक मैं आपको बहुत ही बेहद फ़ायदा बताना चाहता हूँ, आज ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, जो आपके रोगों से लड़ने की क्षमता है, ये डबल कर देगा। साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, पर एक दो है, जैसे कि अगर कोई लेडीज यूज़ करिएगा प्रेगनेंसी कराई में, तो आप इसे ना यूज़ करेंगे क्योंकि विटामिन ए की जो मात्रा है वो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है, तो ये आपको साइड इफेक्ट दे सकता है। आप नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो तो अपने डॉक्टर से पूछोगे, डॉक्टर क्या मैं मल्टीविटामिन यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो बोल देगा नहीं आप नहीं यूज़ कर सकते। मैंने भी इसे अपने डॉक्टर से, डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे यूज़ कर सकते हो। पर हाँ, अगर आप डॉक्टर आपको रेफर करता है मल्टीविटामिन, तो डॉक्टर कभी भी इसी मल्टीविटामिन को आपको रेफर नहीं करेगा। क्यों पता है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही चीप है और डॉक्टर कोई भी मल्टीविटामिन प्राइस करेगा जैसे 200-300 का, ऐसे प्राइस में आ रहे हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें डॉक्टर का भी बेनिफिट है। ज़्यादातर डॉक्टर पता है कौन सा मल्टीविटामिन यूज़ कर रेफर करेंगे, A to Z, और तकरीबन 80 रुपये का ही आता है। पर मैंने इस मल्टीविटामिन को देखा है, इसमें वो सारे विटामिन और मिनरल्स नहीं है, पता नहीं इसके प्राइस इतने हाई क्यों है, पर आई डोंट नो, पर ये दिस इज़ द बेस्ट मल्टीविटामिन फॉर यू। एज यू वॉन्ट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, देन आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। आप अपने डॉक्टर से पूछो, कोई भी ब्रांड का कोई भी अच्छा मल्टीविटामिन अगर आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, मैं ये नहीं जबरदस्ती कर रहा हूँ, नहीं, आपको यही यूज़ करो, आप कोई भी एक अच्छा ब्रांड का मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हो। तो वैसे ये है गरीबों का मल्टीविटामिन, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, तकरीबन मैं इसका एक डिब्बा ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, ये मैं दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके रिजल्ट काफ़ी बेटर हैं, तो आप इसे यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है, आप चाहे तो वहाँ से बाय कर सकते हो। तो गाइस, नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी। गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई हो, और गुड बाय एंड टेक केयर।